जमेंट hey सिस्टम so so क्या है हम हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं सो so आप लोगों में से अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया गया है आप वहां से जाके इजिली उस वीडियो को देख सकते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर डी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल्सो ए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आर डी बी एम एस इज ऑल्सो ए डी बी एम एस सॉफ्टवेयर हुई बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल राइट तो वट डज इट मीन बाय रिलेशनल मॉडल रिलेशनल मॉडल क्या है हमको ये पहले समझ में आना चाहिए उसके बाद ही हम समझ पाएंगे व्हाट इज आर डी बी एम एस राइट सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशनल मॉडल सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेव अवर डेटाटली फॉर फ्यूचर रेफर को हम सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा बेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं राइट right? तो इसको अगर मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो, तो ये है मेमोरी स्टोरेज जहां पे मुझे डेटा को स्टोर करके रखना है ठीक है तो मैं एक फाइल बनाया उसके अंदर डेटा को स्टोर करके रख लिया और एक फाइल बनाया फिर से उसके अंदर डेटा को स्टोर करके रख दिया और एक फाइल बनाया और फिर से उस फाइल के अंदर डेटा को मैं स्टोर करके रख दिया ठीक है तो ये जो सारे फाइल्स हैं उसके कलेक्शन क्या कहलाएगा डेटाबेस कहलाएगा तो डेटाबेस क्या है डेटाबेस वो जगह है जहां पे सारे लॉजिकली रिलेटेड डेटा इकट्ठा होकर स्टोर होकर रहते हैं ठीक है तो ये एक्चुअल में जो डेटा है ये डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर है फाइल्स के फॉर्म में राइट right? अच्छा ये लेकिन फिजिकल है यानी कि ये फिजिकल व्यू आप देख रहे हैं ठीक है तो ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर तो हमको डीबीएमएस से इंटरेक्ट करना होता है हम डीबीएमएस को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये रहा हमारे डेटा इस डेटा data को डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रख दो या फिर वो जो मैं डेटा स्टोर कर रखा था उस डाटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो ये सब कुछ हम डीबीएमएस के साथ इंटरैक्ट करके ही करते हैं तो डीबीएमएस हमको के लिए एक स्क्रीन दे रहा है एक मीडियम दे रहा है और कह रहा है कि जो भी बात करना है ये सारे स्क्रीन के हेल्प से करो अब यहाँ पे डीबीएमएस डेटाबेस की शक्ल कैसे दिखाता है कि भाई देखो अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो टेबल के फॉर्म में ही स्टोर है ठीक है जैसे स्टूडेंट नाम के एक टेबल है अब टेबल किसको कहलाता है टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोस एंड कॉलम्स ओके तो ये है हमारा टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन आर डी बी एम एस और डीबीएमएस हम टेबल को टेबल नहीं बल्कि रिलेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं रिलेशन ओके okay? और इस रिलेशन में और टेबल में ये सारे हैं कॉलम्स एंड ये सारे हैं रोज और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन और DBMS हम रोज को टपल भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं और ठीक उसी तरह कलम को फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं ऑलराइट right? तो कलम में होंगे स्टूडेंट के कैरेस्टरिस्टिक जैसे कि रोल नंबर नेम एज फोन नंबर एड्रेस एट्सेट्रा एंड एक रो क्या होगी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी तो टेबल में जितना नंबर ऑफ रोज होंगे उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट के डेटा को हम उस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर करके रखे होंगे और एक पूरा टेबल एक एंटिटी के लिए ही बनाया गया होता है ऑल right? जैसे कि हम एक स्टूडेंट नाम के टेबल बनाए हैं ठीक उसी तरह हम दूसरे दूसरे एंटिटीज फॉर एग्जाम्पल फैकल्टीज भी एक एंटिटी है उसके लिए भी एक टेबल बना सकते हैं डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेबल बना सकते हैं ठीक उसी तरह कोर्स के लिए भी एक टेबल बना सकते हैं राइट तो अब आपके लिए तो बहुत आसान हो गया क्योंकि एंटिटीज को आप टेबल के रूप में देख पा रहे हैं और आपको क्या लगने लगता है कि शायद डेटाबेस के अंदर टेबल ही टेबल बनाया गया है और उस सभी टेबल के अंदर यूजर के डेटा को रखा जा रहा है पर सच्चाई क्या है डेटाबेस में टेबल नहीं बल्कि फाइल ही फाइल्स हैं और यूजर के जितना भी डेटा है बहुत सारे डेटा को डीबीएमएस फाइल्स के अंदर रखता है तो लॉजिकल डेटा मॉडल क्या हो गया टेबल के फॉर्म में डाटा को रखना तो यहाँ पे टेबल को ही हम क्या बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं और राइट ये इंपॉर्टेंट चीज है टेबल को ही हम यहाँ पे रिलेशन बोलते हैं और राइट तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में रिलेशन मीन टेबल और एक टेबल में जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और दो अलग अलग टेबल के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है कैसे रिलेशनशिप हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है स्टूडेंट नाम के और उसमें एक कलम है स्टूडेंट बोल के ठीक है तो ठीक उसी तरह और एक टेबल है जिसमें की जिसका नाम है कोर्स तो कोर्स नाम के टेबल में भी एक कॉलम है जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी ऑलराइट और राइट तो ये स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है कोर्स नाम के जो टेबल है उसमें जो स्टूडेंट आईडी है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है राइट right? तो दो टेबल एक दूसरे के साथ भी रिलेटेड होंगे तो ये जो मॉडल है इसको बोला जाता है रिलेशनल मॉडल राइट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट्स वी हैव रिटन

ये हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है हम इस गोडाउन के सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे पास बहुत सारे सामान है ठीक है जो हम इस गोडाउन में रखना चाहते हैं तो हम डी सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बहुत सारे सामान है और इस सामान को मैं अंदर रखना चाहता हूं तो डी सॉफ्टवेयर बोलता है ठीक है लेकिन कल जब आप आओगे और वापस से मुझे बोलोगे कि मेरा सामान जो रख रखने के लिए दिया था वो मुझे वापस दो या फिर तुम और बहुत सारे सामान लेके आओगे और बोलोगे कि मुझे ये भी सामान उसके अंदर रखना है तो मैं कैसे समझूंगा कि आपका सामान कौन सा है तो एक काम करते हैं इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बोलता है कि मैंने ये गोडाउन के अंदर बहुत सारे आलमारी बनाए हैं और सेल भी बनाया हुआ है और ये सामान मैं उसमें रखता हूं तो आप बोलिए आपके लिए भी एक अलमारी पूरी रिजर्व कर दूं और आप जो अलमारी का नाम बोलेंगे उस अलमारी का नाम वो ही रहेगा और वो अलमारी कैसा है वो एक टेबल जैसा है रो एंड कलम तो इनको आप सेल्फ मान लीजिए तो हमने कहा ठीक है एक स्टूडेंट नाम के अलमारी बनाओ यानी कि एक स्टूडेंट नाम के टेबल बनाओ और ये सारे स्टूडेंट के डेटा है जैसे कि नेम रोल नंबर एड्रेस फोन नंबर एटसेट्रा और इन सभी डेटा को उस अलमारी के अंदर रख दो ठीक है तो कल को आप जब सॉफ्टवेयर से बोलेंगे कि बो सारे स्टूडेंट के डेटा चाहिए जिनके एज 15 से 20 के बीच में है तो डीबीएमए सॉफ्टवेयर क्या करेगा वो इस टेबल में से उन सभी डेटा को निकाल के देगा क्योंकि हम उसे बोलेंगे जो स्टूडेंट नाम के अलमारी हम लिए हैं उसके अंदर से वो सारे डेटा और रोज निकाल के दे दो जिसमें एज की वैल्यू 15 से 20 के बीच में है तो डीबीएमएस हमारे बात को इजीली समझ पाएगा राइट right? क्योंकि हम उसको उस टेबल के नाम बता दिए हैं तो कम्युनिकेशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ठीक है करते करते मुझे ये लगने लगा कि एक्चुअल में डेटा अलमारी में ही स्टोर होकर रहता है बट ये डीबीएमएस जानता है सच्चाई क्या है कि अंदर कोई तो भी अलमारी नहीं है बल्कि अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, और वो सारे डेटा को फाइल्स के अंदर ही स्टोर करके रखता है और हमें ऐसा इल्यूजन देता है कि अंदर बहुत सारे अलमारी हैं, और वो भी ऑर्गेनाइज हुए में और वो ये सारे डेटा को अलमारी के अंदर एक ऑर्गेनाइज हुए में स्टोर करके रखता है तो हमें लगता है कि अंदर बहुत सारे अलमारीस हैं यानी कि बहुत सारे टेबल्स हैं लेकिन डीबीएमएस जानता है कि अंदर कोई भी टेबल नहीं बल्कि चारों तरफ फाइल्स ही फाइल्स है और वो ये सारे फाइल्स के अंदर ही डेटा को स्टोर करके रखता है लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऐसे करने से जो यूजर है उसको हमेशा ये लगता है कि अपना उसका जो डेटा है उससे वो डीबीएमएस गोडाउन के अंदर टेबल्स के फॉर्म में रखता है लेकिन एक्चुअल में वो डेटा को फाइल्स के अंदर ही रखता है राइट तो लॉजिकली और कंसेप्चुअली हमें वो इल्यूजन क्रिएट करवाता है कि अंदर सब कुछ कैसा है तो हमारे लिए डेटाबेस क्या है डेटा कंसेप्चुअली डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ टेबुल राइट जबकि इंटरनली वो सही नहीं बल्कि डेटाबेस क्या है कलेक्शन ऑफ फाइल्स है राइट बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो फाइल्स को उसी हिसाब से मैनेज करके कर रखता है और वो यानी कि वो डीबीएमएस जो टेबल्स के अंदर जितना भी इंफॉर्मेश जितना भी डेटा है उसको वो फाइल्स के अंदर ही रखता है तो वो जो इल्यूजन क्रिएट करवाता है हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब अगर ये जो डी बी एम एस सॉफ्टवेयर है ये रिलेशनल मॉडल को एडोप्ट कर रहा है यानी कि वो हमें ये कह रहा है कि डेटा बेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल तो ये जो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे आर डीबीएमएस दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलराइट राइट तो ये जो आर डीबीएमएस है ये क्या है एक DBMS ही है जो कि रिलेशनल मॉडल पे काम कर रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज आर डी बी एम एस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनल मॉडल

हम जब भी, भी कोई एक टेबल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम के टेबल है राइट right? तो ये स्टूडेंट नाम के टेबल में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए उसका जो इंफॉर्मेशन है हम उसको एक टेबल में एक रो के अंदर हम उसका एंटायर डाटा को स्टोर करके रखते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है राम नाम के तो राम का स्टूडेंट आईडी उसका नेम एक उसका एज ये सारे इंफॉर्मेशन है उसका नेम एज एड्रेस फोन नंबर ऑल टोटल थिंग्स हम एक रो में स्टोर करके रखते हैं ठीक है इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टॉपल एम एस इज डीबी टू मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं एम एस का यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और राइट सो आई होप का आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा की व्हाट इज आर डी बी एम एस एंड व्हाट इज रिलेशनल मॉडल सो आज के वीडियो में इतना ही सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय